Hello children, when we were discussing the molecular orbital diagram, then I hope you remember that this diagram wherein two orbitals are drawn at the lower and 2pz is drawn at the upper part of the diagram. This was for the boron, carbon and nitrogen. The p orbital is drawn like this. At the same time, I told you that in case of oxygen, fluorine and neon, it will be reverse of the previous one. Sigma 2pz is drawn at the lower and px and py are drawn at the upper. So these two things are just opposite. If you can visualize both the diagrams in one screen, then just see, this is for boron, carbon, nitrogen. Two are drawn here and one is drawn here. इन द प्रीवियस वीडियोज आई गेव अ ट्रिक कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन में इट इज लाइक 2-1-2-1 मीन्स कि पी ऑर्बिटल का पी एक्स पी वाई इनमें नीचे बनता है और जेड ऊपर बनता है. ये तो कोई चेंज होता नहीं है. दिस इज सेम हियर ऑल्सो. बट यहां पर ये नीचे वाले लेवल में इट बिकम्स 1-2-2-1. तो ये 2-1-2-1 ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग तो दोनों का सेम है. ध्यान से देखें, एंटी बॉन्डिंग दोनों का सेम है, बट डिफरेंस आता है बॉन्डिंग में. यहाँ पे दो नीचे एक ऊपर है, यहाँ पर एक नीचे है. क्या डिफरेंस आया है? 2pz नीचे हो जाता है यहाँ पर ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन के केस में, और कार्बन नाइट्रोजन और बोरॉन के केस में वो ऊपर होता है. तो ये जो अंतर है पी में, इसका रीजन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो दिस वॉज द क्वेश्चन कि ये एनर्जी लेवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं जो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए, वो डिफरेंट क्यों बनते हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन से. इसका डिफरेंस या इसका आंसर एक्चुअली कुछ ऐसा है कि सो एक्चुअली दिस डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिग्रेशन ऑफ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरैक्शन विच कम्स इन टू प्ले ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स. जो आपने अभी डायग्राम देखा उसमें आपने देखा, और आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो पॉस्टुलेट्स थे वहां पढ़ा था कि जब एटम्स के ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स बनते हैं. तो कॉम्बिनेशन के समय जो ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, इनमें कुछ इंटरैक्शन होता है जिसके कारण ये अंतर आता है. तो अब हम समझेंगे कि ये ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरैक्शन एक्चुअली है क्या, क्यों बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में सिग्मा 2pz ऊपर बनता है. तो इन केस ऑफ बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ 2s एंड 2p लेवल इज क्वाइट स्मॉल. जो 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी लेवल बहुत कम होता है. उनका एनर्जी गैप कहना चाहिए, या आप कह सकते हैं उनकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है 2s और 2p का. और इस क्लोज प्रॉक्सिमिटी के कारण जो मिक्सिंग होती है इन ऑर्बिटल्स की, मतलब 2s और 2p की जो मिक्सिंग होती है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाती है. और इसके कारण जो एनर्जी होती है सिग्मा 2pz की वो रेज्ड हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है. तो क्या हुआ, जब ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के केस में जो आपके ऑर्बिटल्स थे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये सब 2px, 2py, 2pz है. तो मैंने 2 नहीं लिखा, आप इसे बाय डिफॉल्ट जानते ही हैं कि ये सेकेंड ऑर्बिटल, सेकेंड लेवल चल रहा है. ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये जो pz है मिक्सिंग के समय इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, रेज्ड हो जाती है, और वो बड़ी हो जाती है किससे, px और py से. इसीलिए जब आप बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में बनाते हो तो px, py नीचे और pz को ऊपर बनाते हो. तो एक्चुअली ये जो पाई 2px और पाई 2py हैं, जो ये दो नीचे बने px और py, ये उतना इंटरैक्शन एक्सपीरियंस नहीं करते जितना pz एक्सपीरियंस करता है. ये सब क्यों हो रहा है, ये हो रहा है 2s और 2p लेवल की एनर्जी के लगभग बहुत कम एनर्जी डिफरेंस के कारण. कि जब इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की तो उस इंटरमिक्सिंग के समय 2s और 2p का जो एनर्जी गैप है, जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है. और इस कम एनर्जी डिफरेंस के कारण जो इंटरैक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, और सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू 2px एंड 2py. जबकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स में ये मिक्सिंग इंटरैक्शंस होते ही नहीं है. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है 2s और 2pz की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. तो इसीलिए क्या होता है, इंटरमिक्सिंग इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, और वहां पर जो है सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या होगी,
वो नॉर्मल रहेगी जैसे आप ड्रॉ करते हैं, और आपका 2pz नीचे बनता है। इनके केस में ये जस्ट अपोजिट बनता है, यहाँ 2pz नीचे बनता है और पीएक्स पीवाई ऊपर बनते हैं इन केस ऑफ ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन लिखा नहीं है इसलिए क्योंकि नियॉन का मॉलिक्यूल बनता नहीं है, मैंने पहले ही बताया था वो हाइपोथेटिकल है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो आता है, इट्स अ नोबल गैस तो मॉलिक्यूल बनाती नहीं है। बट इन केस आप हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो वो भी ऐसे ही बनेगा जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन बनती है। तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जो पीजेड है वो नीचे बनता है, और इनमें आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो से पता है कि बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन में 2pz ऊपर बनता है, तो ये रीजन है कि क्यों ऊपर बनता है। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्यों ये नीचे बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पर मिक्सिंग इंटरेक्शंस होते ही नहीं है और नॉर्मल सिचुएशन रहती है। और ये जो टॉपिक हमने यहाँ डिस्कस किया और ये जो रीजन मैंने आपको बताया, इट इज एक्चुअली सपोर्टेड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स आल्सो। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट को या मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को स्टडी करती है। यूजुअली जैसे हम किसी भी एक्स वाई जेड मॉलिक्यूल के लिए बोलते हैं ये ज्योमेट्री, ये बॉन्ड एंगल है, तो वो किसने मेजर किए, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके थ्रू इनकी स्टडी की जाती है। तो ये जो पॉइंट्स आपने अभी रीड किए कि क्यों बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन फ्लोरीन के ऑर्बिटल डायग्राम में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर में ये डिफरेंस आता है, ये जो आपने रीजन पढ़ा, दिस इज सपोर्टेड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स ऑल्सो। सो आई होप दिस वॉज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।